आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात। नमस्कार, भारत प्लस में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले में दिन प्रतिदिन कोरोना के अधिकतम मरीज निकल रहे हैं, जिस कारण जिला प्रशासन पूरी तरह से चिंतित है और इसे रोकने के लिए अलग अलग प्रयास किए जा रहे हैं। यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा के निर्देशन में 16 अप्रैल की रात्रि में जिले का पूरा ट्रैफिक डायवर्ट किया गया और अनावश्यक रूप से बाहर निकल रहे लोगों से बाहर निकलने का कारण पूछा गया और पूरा ट्रैफिक डायवर्ट किया गया। भारत प्लस से बात करते हुए यातायात प्रभारी पूर्णिमा मिश्रा ने जिले का पूरा ट्रैफिक डायवर्ट करने के बारे में पूरी जानकारी दी। जैसा कि सभी को पता है, टीकमगढ़ में लगातार कोरोना का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और नए नए केसेस और ज़्यादा केसेस निकल रहे हैं, उसी को लेकर आज लगातार कार्रवाई हो रही है और आज कोरोना कर्फ्यू लगाया गया था, जिसमें सभी पॉइंट से ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया है और जो फालतू निकल रहा है उनको वापस किया गया है, तो वही कार्रवाई मिश्रा चलाई। टैक्सियाँ बंद की गई हैं, क्या टैक्सियाँ इसलिए बंद की गई, उसमें अनावश्यक ओवरलोडिंग की जा रही है जो कि बहुत ही घातक होगा आगे चलकर, इसी के चलते उनको बंद किया गया है। ऐसे में सवारियों को परेशानी होगा, जो सवारियों के लिए जो व्यवस्था है अपने घर के वाहन से वो जा सकते हैं, उनका एक कोई परिजन आए और ले जाए या फिर फोर व्हीलर अपनी स्वयं की यूज़ करें और सोशल डिस्टेंसिंग बनाए ताकि कोरोना का प्रभाव कम। मैडम, कुछ लोग ऐसे बिना वजह कर रहे हैं, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की जा रही है? उन पर सख्ती कर रहे हैं, सख्ती आ रही है तो उसी तरीके से उनको। भारत प्लस के लिए टीकमगढ़ से संतोष रैकवार की रिपोर्ट। देश दुनिया की ऐसी जानकारियों के लिए आज ही आप हमारे चैनल भारत प्लस को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं भारत प्लस देश की बात।